बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। भजन चार बुद्धि पैगाम प्रियन जो वयड़ो मुखे वणी। सुरत समाई छन में। सुरत समाई छन में। सुहणो साज सुनी बुद्धि पैगाम प्रियन जो वेड़ो मुखे वणी। देह पराहु संतय चन शल से देह रे। संत चन शल से वावा आऊ उनन जे तमता घोरिया सड़ा के। साधु कन था लोह के कंचन। पार सजिया से साधु कन था लोह के कंचन। तावदई वचनन जा कन था मन के मंजन। जनन जा कन था मन के मंजन। होश विजान सारो। होश विजान सारो। देखा रे अमल मणि बुद्धि पे। छोड़े तिन जे सूरज नाम दाढ़ा। विरह छोड़े तिन जे सूरज नाम दाढ़ा। खादल आया खण जी मिड़िया के मांडा। आया खन जी मेरी आके मांडा।
जोग प्यारे जोगी, जोग प्यारे जोगी, जियारी दाखनी बुद्धि पैगाम, पाती मू प्रीत पक्की, लाहे पाती मू प्रीत पक्की, छिनंद समूर नातन सा जिन जी मू सुर कछकी, सुरहा से तीर सने, सुरहा से तीर सने, हियाड़े मंज व्याहणी बुद्धि पैगाम, राग जोग भजन चार, बुद्धि पैगाम प्रियन जोग वैड़ो मुखे वणी। जोग राग के इस भजन में श्री गुरु महाराज जी अपने प्रीतम का पैगाम सुन करके हृदय हर्षित हो गया इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। उन संत महापुरुषों का पैगाम, उनकी चिट्ठी, उनका खत, उनकी वाणी है। उनकी वाणी सुन के हृदय आनंदित हो गया। ख्याल रखी पढ़ खत प्रियन संदे पार जो, जय में लिखल आहे तू जागी उथ सुतत, सोधे लव शरीर मां अखंड आत्म तत, रखी जत ऐं सत टेऊं माणिज माग खे। तो उन महापुरुषों का समाचार संदेश पैगाम उनकी अमृतमयी वाणी है, जो प्रभु मिलने से प्रेरणा हृदय में देते हैं। सुरत समाई चल में सुहणो साज सुनी, सुंदर संगीत उनकी वाणी, उनके आवाज, उनके भजन सुन करके मेरी सुरती समा गई उनके चरणों में। मन संकल्प शून्य हो गया, मन के अंदर उनकी स्मृति, उनके उपदेश गूंजने लगे। वे प्रीतम, वे संत महापुरुष दूर देश से चल कर के मेरे पास आए, मेरे निकट आए, मुझे दर्शन दें, मेरे आंगन में उनका आगमन हो। देह पराऊं डोरे संत चन शल से ही, आऊं उन्हंजे तमथा घोरिया सिर राखी। मेरे शरीर पर एक मस्तक है, पर अनंत मस्तकों तो वो सभी मैं उनके ऊपर कुर्बान कर दूं। मुझे मन के मारे व्याजे ख्याल खणी, मेरे मन को जिन्होंने मार दिया, संसार से हटा दिया और मेरे मन की स्मृतियों में वो बस गए, ऐसे संत महापुरुषों को मैं याद करता हूँ। पारस जिए से साधु कन था लोह के कंचन, जिस प्रकार से लोहे को स्वर्ण पारस पत्थर बनाता है, उसी प्रकार से मेरा मन लोहे के समान कठोर, उस मन को ईश्वर के रंग में उन्होंने रंग दिया, स्वर्ण जैसे बना दिया। ताव नहीं वचनन जो कन था मन के मंजन, वचनों का ताप दे करके शिक्षाएं सुनाकर उपदेश सुनाकर मन की सफाई करते हैं, मन से दुर्गुणों को दूर करते हैं। होश विज्ञान सारो रेखा रे अमूल मणि, आत्मरूपी खजाने का दर्शन करा के
बाहर का होश, बाहर का ध्यान, बाहर के तरफ मन की वृत्ति को हटा देते हैं। उन संत महापुरुषों का मुझे दर्शन मिले, उनके विरह वियोग में मेरा मन बहुत ही व्यथित है। विरह विछोड़े तनजे सूरज नामू डाढ़ा, मुझे बहुत आंतरिक दुख की प्राप्ति हो रही है उनके वियोग में। खादल आया खणजी मिड़िया के ही मांडा। जिस प्रकार से सर्प के डंश से डंशित व्यक्ति बहुत इलाज करने के पश्चात भी उसका स्वास्थ्य उसे नहीं मिलता, उसी प्रकार से उन्होंने मुझे जो नाम रूपी अपने अमृतमय वचनों रूपी उन्होंने जो संदेश दिया है उसमें मेरा मन उनकी तरफ लगा हुआ है। दुनिया की दूसरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। कितने भी वैद्य हकीम मिल जाएं, लेकिन मेरे दर्द का कोई भी इलाज नहीं कर सकता। वो हृदय का दर्द है, विरह का दर्द है। जोग प्यारे जोगी जिया रींदा खणी, उनकी कृपा से ही मेरा सुप्त हृदय फिर से हरा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उनकी योग की युक्तियां सुन के उसके अनुसार चल के मेरे मन को आनंद की प्राप्ति होगी। टेऊ लजाऊ लाहे पाती मु प्रीत पकी, तीनों लज्जाओं का त्याग करके मैंने उनसे अपने हृदय का पक्का प्रेम जोड़ लिया है। छिनंदस मूर नातन सा जिन जी मु सुर को छिकी, जिन्होंने मुझे नामामृत का पान कराया है उनसे मैं कभी भी संबंध वियोग नहीं करूंगा। सुरहा से तीर संजय संजय हीणे मंज व्याहणी, अपने वचनों के सुंदर तीर से उन्होंने मेरा हृदय वेदित कर दिया है। मेरा हृदय विद्ध हो गया है, अब उनके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो उस भजन में उस जिज्ञासु जिसने अपने प्रियतम साजन गुरुदेव से प्रीत लगाई है उसकी मनस्थिति का गुरु महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी
पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।